नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम आनंद है। आपका स्वागत है सत्यम ऑक्सीटेक में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस तरह का फेक वीडियो कैसे आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स से कितना जल्दी आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अब तो यूट्यूब शॉर्ट्स से आप शॉर्ट्स फंड भी आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों कैसे आप रोजाना अपने फैक्ट वीडियोज़ के लिए कैसे टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। सेकंड मैं ये बताने वाला दोस्तों कि कैसे कॉपीराइट फ्री इमेजेस और वीडियो को सर्च कर सकते हैं। थर्ड मैं बताने वाला दोस्तों कि कैसे अपने फैक्ट वीडियोज़ को एक अच्छे तरह से एडिट करके आप अपने वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका व्यूज़ भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ। दोस्तों कैसे कैसे प्रोसेस करने वाला हूँ सब चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। एक एक डिटेल को दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपका लाइफ टाइम काम आएगा दोस्तों। इसके बाद आपको कहीं दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना या गूगल कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को सिंपल सर्च करना फैक्ट टॉपिक्स आइडिया इन हिंदी। जैसे आप सर्च करिएगा दोस्तों तो आपके सामने फर्स्ट पेज में जो भी आपके सामने यहाँ लिखा रहा दोस्तों ये एक तरह से फैक्ट्स का आइडियाज है जो आप देख के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारा आइडिया मिलने वाला है दोस्तों। आप जो भी आपको पसंद आएगा यहाँ पे पढ़ के अपना देख लीजिएगा दोस्तों। जिस पे आपको वीडियो बनाना है उस वीडियो पे आप बना सकते हैं। सेकंड मैं ये भी बताने वाला दोस्तों कि सेकंड कैसे आप सर्च कर सकते हैं। सेकंड आप यूट्यूब से ही सर्च कर सकते हैं कैसे आप फैक्ट वीडियो को सर्च करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ फैक्ट वीडियो लिख कर यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मिल जाएगा दोस्तों। जो आपको अच्छा टॉपिक्स लगे उस टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हैं दोस्तों अगर आप कोई कार से जुड़ा हुआ फैक्ट वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपल सा सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। मोस्ट एक्सपेंसिव कार लिखने पे दोस्तों यहाँ पे कुछ इमेजेस आने आ ऊपर में हम लोग इमेजेस पे क्लिक करके देख सकते हैं। और भी सारे इमेजेस जो भी आपको देख के अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके आप फोटो ले सकते हैं। दोस्तों मैं इसका बताने वाला हूँ कि फ़ोटो लेने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी फोटो आपको नहीं उठा लेना है। या फोटो ले लीजिएगा दोस्तों तो आप कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कॉपीराइट फ्री कैसे आप ले सकते हैं। तो ऊपर में यहाँ पे साइड में फिल्टर दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना हम लोग को सिंपल सा। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा स्लाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूजेस राइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। जैसे लिखिएगा दोस्तों तो ये सब फोटो हम लोग अपने वीडियोज़ में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ क्रिएटर के लिए ही बना हुआ है कि हाँ आप आराम से इसको लेकर अपने वीडियोज़ में डाल सकते हैं। दोस्तों एक तरीका ये हो गया, आप यहाँ पे टॉपिक सर्च कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे इमेजेस निकाल सकते हैं। दोस्तों हम लोग का सेकंड मेथड के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पिक्साबे। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे हम लोग को क्लिक कर लेना सिंपल सा। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को सर्च के बगल में यहाँ पे इमेजेस लिखा हुआ, यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोटोज, वेक्टर ग्राफिक्स, इल्यूजन, वीडियो, म्यूजिक, आप बहुत सारा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ का भी टॉपिक बना रहे फैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन का बात नहीं। सिंपल सा मैं आपको फिर से सर्च करके दिखा देता हूँ कैसे मैं फैक्ट वीडियो के लिए अपना टॉपिक सर्च कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कार लिखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ कार लिखने के बाद मैं सर्च कर देता हूँ। जैसे यहाँ करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कार से जुड़ा हुआ फोटो आने लगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से भी आप फीचर को आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से इस पर क्लिक कर लेना है कोई कार के फोटो पे, उसके बाद फ्री डाउनलोड है, एकदम फ्री है, कोई टेंशन की बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना अपना ग्राफिक्स चूज करके। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो जाने के बाद अब मैं थर्ड मेथड पे बताने वाला दोस्तों कि कैसे आप अपने काइनमास्टर से वीडियो को एडिट कर सकते हैं एक शॉर्ट्स वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं अपने वीडियोज़ को काइनमास्टर पर ले जाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब बारी है आप अपने वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को काइनमास्टर ओपन कर लेना है। जिनके पास काइनमास्टर नहीं है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों काइनमास्टर ओपन होने के बाद हम लोग को सिंपल सा क्रिएट न्यू पे हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट न्यू क्लिक करने के बाद आप लोग को 1:1 पे क्लिक कर देना है। शॉर्ट्स वीडियो के लिए यही रेशियो ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग को ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सिंपल से दोस्तों हम लोग को जो भी फुटेज डाउनलोड किए हैं दोस्तों उसको हम लोग को अब ले लेना है। तो हम लोग डाउनलोड सेक्शन में जाकर हम लोग सारे फुटेज को ले लेते हैं जो भी हम लोग कार का फोटो डाउनलोड किए थे वहाँ से। तो इसको लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे साइड में कट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा दोस्तों अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करना है। तो क्या करने के लिए दोस्तों मैं सिंपल सा धीरे धीरे बताने वाला हूँ, सब चीज़ अच्छे से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे लेयर का बटन, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग को मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे इमेज असिस्ट फर्स्ट नंबर पर उस पर क्लिक कर देना। इसके बाद हम लोग को येलो रंग का पैटर्न देना जो थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। इसको क्लिक करके हम लोग को थोड़ा बड़ा कर लेंगे दोस्तों अपने साइज़ के अनुसार। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर में अपने हाथ से एडजस्ट कर लेना दोस्तों कितना बॉर्डर रखना चाहते हैं अपने वीडियोज़ के लिए। तो मैं अपना थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ से। इसके बाद दोस्तों अब बारी आता है कि इस पैटर्न को पूरा एंडिंग तक ले जाइए दोस्तों, जहाँ तक आपका वीडियो है। तो दोस्तों मैं इसको हाथ से टच करके दोस्तों आप लास्ट तक इसको ले कर जा सकते हैं।
इसके बाद अब बारी है दोस्तों कि सारे फोटोज़ को आप स्क्रीन के बराबर करना है, फुल स्क्रीन करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैन एंड जूम कर सकते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया हो तो सिंपल सा हर फोटो पे आपको क्लिक करना है। मैं फर्स्ट फोटो पे क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद जैसे ही आप सेकंड नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं बीच में, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे देखने के बाद सबसे पहले हम लोग को इक्वल वाला जो साइन, इस पर क्लिक कर देना है जो कि दोनों से कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा फोटो को हाथ से जूम कर लेना जितना बड़ा आपको रखना है थोड़ा सा। तो दोस्तों ऐसे कर करके सारे वीडियोस को आप कर लीजिए दोस्तों। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसके बाद मैं सेकंड वीडियो को करके दिखा देता हूँ। फिर से पैन एंड जूम में जाना दोस्तों, इक्वल वाला कर देना दोनों, उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा जूम कर लेना है दोस्तों। इस तरह सारे वीडियो को कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मैं सारे वीडियोस को कर लिया हूँ दोस्तों। इसके बाद हम लोग को सिंपल से ऊपर में टिक का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। अब बारी आता है दोस्तों हम लोग इस पर लिखने वाले हैं कि अपने टॉपिक का जो टाइटल है वो क्या लिखने वाला है। तो दोस्तों मैं लिखने वाला हूँ कि मोस्ट एक्सपेंसिव कार के बारे में मैं टाइटल देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों टाइटल देने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप टाइटल अपने लिए सोचे हैं दोस्तों तो उसको आप यहाँ पे लिख देना। सिंपल से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दुनिया की सबसे महंगी कार। दोस्तों टाइटल कुछ इस तरह लिखना है दोस्तों कि देखने में भी और पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये टेक्स्ट अभी वाइट कलर का है दोस्तों। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं जो कलर आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि कलर कॉम्बिनेशन रखना दोस्तों, जो कि आपको पढ़ने में देखने में आपको समझ में आए अच्छा तरह से। तो मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे रेड पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैं रेड कलर रखूँगा टेक्स्ट का दोस्तों, क्योंकि येलो पे रेड बहुत अच्छी तरह से खिलता है। इसके बाद थोड़ा सा हल्का जूम कर लेंगे टेक्स्ट को। अब बारी आता है कि अपने फॉन्ट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। फॉन्ट चेंज होने से क्या होता है, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद हम लोग को अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट है आप अपने रख रख के चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे सिंपल सा रख लेता हूँ पॉपेंस सेमी बोल्ड इटैलिक पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद ऊपर में टिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट लगाने के बाद देख सकते हैं कि और कितना अट्रैक्टिव लगने लगा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको और मैं सजा के दिखाता हूँ कैसे आप सजा सकते हैं। तो दोस्तों बस हम लोग को यहाँ पे नीचे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्वाइप अप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आप सारा ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं अपने अनुसार। दोस्तों मैं सिंपल से यहाँ पे आउटलाइन पे जाता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर का जो आउटलाइन दूंगा दोस्तों वो बहुत अच्छा लगेगा। आउटलाइन देने के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर का उस पर क्लिक कर देना है। सिंपल से फिर हम लोग को व्हाइट कलर चूज कर लेना है। यहाँ से व्हाइट कलर चूज करते ही देख सकते हैं व्हाइट कलर कितना खिलने लगा है येल्लो पे, खूबसूरत लगने लगा है दोस्तों। और अट्रैक्टिव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देना सिंपल सा। उसके बाद हम लोग को नीचे फिर से स्वाइप अप करते हुए जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शैडो भी लगा सकते हैं, ग्लो भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे ग्लो लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्लो लगाने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का लिया हूँ। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ब्लैक का पीछे से मतलब साइनिंग थोड़ा बढ़ने लगेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लगाने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद देख सकते हैं इतना ही लगाना दोस्तों जितना मैं टेक्स्ट का क्वालिटी बिगड़े नहीं देखने में। उसके बाद दोस्तों मैं एक ऑप्शन में सिर्फ आपको एक शैडो लगा के दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शैडो पे क्लिक करता हूँ। जैसे जैसे आप शैडो पे यहाँ पे फिर से शैडो के कलर पे जाना है, मैं यहाँ ब्लैक कलर ले लेता हूँ शैडो का। उसके बाद देखिएगा ये एक परछाई की तरह लगने लगेगा। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों तो लगेगा कि पीछे टेक्स्ट थोड़ा 3D में लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इसको हल्का सा रख लेता हूँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं रखूँगा। चलिए दोस्तों इसके बाद टिक कर लेते हैं। आप यहाँ पे जितना आप छेड़छाड़ करिएगा दोस्तों उतना ही आपको सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप दिन भर मेहनत करिएगा दोस्तों, जरूर आप कुछ नया नया नॉलेज आप गेन करिएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है दोस्तों, जितना बड़ा हम लोग का ये बना हुआ है मतलब वीडियो उतना ही बड़ा हम लोग को साइज कर लेना है। तो हम लोग को नीचे जो टेक्स्ट है इसको पकड़ कर हम लोग को लास्ट तक कर लेना वीडियो का जितना बड़ा लेंथ है। इसके बाद हम लोग को करने के बाद दोस्तों अब वीडियो को थोड़ा सा इफेक्ट डालना है दोस्तों, क्योंकि वीडियो चलेगा दोस्तों तो थोड़ा सा लगना चाहिए दोस्तों कि हाँ वीडियो कुछ चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट डालने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस आइकन क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं ढेर सारा आपके पास ऑप्शन में है कि आप कौन सा इफेक्ट लगा सकते हैं, और मैं बहुत सारा इफेक्ट डाउनलोड भी किया हूँ दोस्तों क्योंकि पहले से उतना कुछ खास नहीं दिया हुआ था। चलिए दोस्तों मैं फटाफट सब पे लगा देता हूँ ट्रांजिशन। हर प्लस आइकन पर क्लिक करके दोस्तों आप अपना ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं ढेर सारा ट्रांजिशन यहाँ पे लगा दिया हूँ दोस्तों, जो भी आपको ट्रांजिशन अच्छा लगा दोस्तों मैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं दोस्तों। अब इससे ज़रूरी बात मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया हो दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट का बटन क्लिक करिएगा दोस्तों, तो आप जो भी बोलिएगा दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप सारा वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। मैं अभी वॉइस में नहीं डालने वाला दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बिगड़ जाएगा मेरा, क्योंकि हम दूसरा भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ में। तो दोस्तों आपको मैं बताने के लिए कर दिया, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा स्टार्ट पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा स्टॉप कर देता हूँ।
यहाँ पे दोस्तों स्टॉप करने के बाद यहाँ पे जैसे आप जितना दूर का वीडियो आप रिकॉर्ड किए हैं यहाँ पे ब्लू लाइन का जो भी है यहाँ पे रिकॉर्ड होके आ चुका है, तो आप यहाँ से कट ट्रिम जो भी है कर सकते हैं, आपको कितना रखना नहीं रखना जो भी। तो खैर मैं अभी इस वीडियो को नहीं रखने वाला हूँ दोस्तों, मतलब इस ऑडियो को डिलीट कर दूंगा। आगे मैं ये बताने वाला दोस्तों, इस सारे वीडियो के काम करने के बाद आप सिंपल सा इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि थोड़ा सा धीमा धीमा आवाज़ में बजेगा, जो कि आपका बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा वीडियो में, सुनने में अच्छा लगेगा। मैं ऑडियो एडिट करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, तो यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक कर लेना सिंपल सा। उसके बाद हम लोग को जहाँ पे डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे आपको चले जाना है। सॉन्ग्स में यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ अपने जितने भी सॉन्ग्स हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना कॉपीराइट फ्री जो NCS में डाउनलोड किया था। इसके बाद अपना सर्च कर लेना कौन सा आपको सॉन्ग लगाना है। तो दोस्तों इसमें से मैं एक इलेक्ट्रोलाइट करके ऑडियो इसको ले लेता हूं दोस्तों। यहां पे लेने के बाद यहां पे प्लस का आइकन क्लिक करके आप ऐड कर लीजिएगा। तो सिंपल से दोस्तों ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका आवाज़ को आपको थोड़ा धीमा कर लेना, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो नहीं सुनाई देगा, ये फुल साउंड बजेगा। तो दोस्तों हमको सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहां पे जो साउंड का बना हुआ सिग्नल इस पर क्लिक करके यहां पे वॉल्यूम को हम लोग को सिंपल सा कर लेना है 15% से 20% तक रख सकते हैं। तो दोस्तों आप 20% कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या 15 भी रख सकते हैं। अगर आप लाउड बोलते हैं तो 20 रख लीजिएगा, स्लो बोलते हैं तो आप 15 पे रख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे टिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो किस टाइप का हम लोग का बना है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा दोस्तों बना है। यहाँ पे टेक्स्ट जो हम लोग का लिखा एकदम खिल कर सामने आ रहा है दोस्तों, कि इसमें कैसे आप अपने वीडियोस में जैसे अपना लोगों को ऐड करने पे कितना खूबसूरत लगता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं ये मेरा PNG में मेरा लोगो बना हुआ, तो इसको सिंपल हम लोग को थोड़ा सा छोटा कर देना दोस्तों। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, साइड में हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों, कोना में हम लोग लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इन एनिमेशन में चले जाना है दोस्तों। यहाँ पे फिर पॉपअप में लगा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जैसे वीडियो स्टार्ट होगा ये साइड में लोगो मेरा आ जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आपका एक चैनल का ब्रांडिंग भी हो गया साथ में दोस्तों, और चैनल का जितना भी आपका क्वालिटी है सब चीज़ मैं इसमें ऐड करके दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो कितना अच्छा बना है दोस्तों। इस तरह का दोस्तों मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मेहनत करके आपको एक एक चीज़ बता दिया दोस्तों। शुरू से मैं बता दिया दोस्तों कि कैसे टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, कैसे आप वीडियो को अपना मतलब फुटेज डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कॉपीराइट फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप वीडियो को एडिट करते हैं दोस्तों। मैं एक एक डिटेल आपको इस टॉपिक में बता दिया दोस्तों, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा दोस्तों जितना मैं आपको इतना डिटेल में बताया दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत आपको नॉलेजफुल हो गया दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगा दोस्तों। अगर वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।